तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूक्ष्म रूप से उपस्थित गुरु सत्ता को प्रणाम वंदन। अखिल विश्व गायत्री परिवार युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में एक विश्वव्यापी अभियान चलाया जा रहा है, गर्भ महोत्सव। जी हाँ, एक गर्भस्थ शिशु का निर्माण करने के लिए वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने एवं परम वंदनीय माता जी ने अपनी गृहस्थ आश्रम की योग साधना से यह सिद्ध कर दिया है कि गर्भस्थ शिशु को गर्भावस्था में एवं गर्भधारण के संकल्प के माध्यम से किस प्रकार एक सुसंतति का जन्म हो। भारतीय संस्कृति में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कारों का विवेचन किया गया है, जिनमें से गर्भधारण संस्कार को प्रथम एवं प्रमुख माना गया है। गर्भ के समय जो संस्कार बच्चे के अंदर डाल दिए जाते हैं वो जीवन पर्यंत बने रहते हैं। गर्भ अवस्था में माता जो कृत्य करती है बच्चा वही कृत्य अपने अंदर विकसित कर लेता है। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँगी। महाभारत काल में जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह रचना के बारे में चक्रव्यूह रचना का ज्ञान दे रहे थे, तब उस समय अभिमन्यु माता सुभद्रा के गर्भ में थे और सारी विद्या उन्होंने गर्भ में ही ग्रहण कर ली थी। आज हम सब देखते हैं दो पति पत्नी अलग अलग परिवारों से आकर गृहस्थ योग आश्रम की साधना में प्रवृत्त होते हैं और अलग अलग गुण कर्म और स्वभाव लेकर के आते हैं। आज के वर्तमान समय में हम देखते हैं कि ज़्यादा संतान तो वैसे कोई रखता ही नहीं है, एक या दो संतान ही रखते हैं। तो आज की वर्तमान बच्चों की जीवन शैली को देखते हुए हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम एक श्रेष्ठ उत्तम संतान के जन्म के लिए, एक सुसंस्कृत आत्मा के अवतरण के लिए किसी वैज्ञानिक विधा का प्रयोग करें। परमादरणीय पंडित जी एक अनुभवी प्राकृतिक चिकित्सक, आयुर्वेद, योग, ध्यान एवं काउ थेरेपी के अच्छे अनुभवी एवं माँ गायत्री के प्राणवान साधक हैं। श्रद्धे पंडित जी ने प्राकृतिक चिकित्सा में आए शिविरार्थी उन युवा दंपति भाई बहन जो कि श्रेष्ठ संतान की अभिलाषा से शिविर करने आए, श्रद्धे पंडित जी ने ऐसे सैकड़ों भाई बहनों को मार्गदर्शन प्रदान किया और उनको एक श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति हुई। जो परिणाम उत्तम आए आज श्रद्धे पंडित जी हम सभी का वो मार्गदर्शन करेंगे जो कि पूर्व में प्रायोगिक रूप से अभ्यास किए गए साधकों के परिणाम उत्तम आए। आज हम देखेंगे कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन को एक गृहस्थ आजीवन के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना करके देखेंगे। कहते हैं कि गर्भस्थ शिशु की यात्रा मात्र 9 महीने 9 दिन की यात्रा नहीं है, यह तो जीवन पर्यंत की यात्रा है और इस यात्रा में ईश्वर के अंश जीव का संरक्षण, संवर्धन और पोषण माता पिता की एक समग्र भावना के साथ होना चाहिए, या फिर यूं कहें कि शारीरिक, मानसिक और आत्मिक भावनाओं की उन्नति होना। आप सभी से अनुरोध है कि श्रद्धे पंडित जी आज हम सबका जो मार्गदर्शन करेंगे, आपको जो बातें अच्छी लगे आप उन्हें एक पेपर पर नोट करें और जो भी आपको शब्द चिंतन में आए उनका चिंतन करें। और आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अकेले में जब आपको टाइम हो तब आप इस विषय को अवश्य एक बार सुनने का प्रयास करें। यह पूरे 1 घंटे की क्लास है जिसमें कि 40 मिनट श्रद्धे पंडित जी हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे एवं शेष जो 20 मिनट है वो प्रश्नोत्तरी के लिए है। आपके जो भी प्रश्न बने आप वो प्रश्न बनाएं और अंत में आप इन प्रश्नों को पूछें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल विश्व गायत्री परिवार सिंधवा और युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार की ऋषि शक्तियों के आशीष से आपको दिव्य सुसंतति की प्राप्ति हो। ऐसी सभी युवा दंपति एवं गर्भवती माता बहनों को मेरा हृदय से आत्मभाव से नमन वंदन प्रणाम।
धन्यवाद। आइए सम्माननीय आदरणीय हमारे युवा दंपत्ति और साथ ही वो जिज्ञासु भाई बहन, तो एक भावी समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए उन्होंने चांद से ले लिया है, अर्थात गर्भवती वो हमारी बहन बेटी माताएं, साथ ही वो दंपत्ति जो अपने घर में एक नवजात शिशु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो कुटुंबी स्वजन, कई प्रश्न है, कई मन में शंकाएं हैं और जीवन के इस परमात्मा के जीवात्मा के अवतरण की इतनी भली प्रतीक्षा होती है जिसके लिए कई घर में अलग अलग प्रकार की खुशियों के इंतजार होते हैं, प्रतीक्षा होती है, ये नाम रखेंगे, ऐसा उसको पढ़ाएंगे, ऐसा बनाएंगे, लेकिन याद रखिए वो सारी घटना बात की है। आज हम बड़ी गंभीरता के साथ वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने ऐसे विश्वास पात्र वैज्ञानिकों मनीषियों को अपनी तप ऊर्जा से खोजा, इसमें परम सद्य आदरणीय डॉक्टर साहब जो ब्रह्मचर्य शोध संस्थान के निदेशक, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, गायत्री परिवार के प्रमुख, हम सबके अग्रज, उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में हमारे मातृ केंद्र शांति कुंज हरिद्वार से आदरणीय डॉक्टर गायत्री दीदी शर्मा और हमारे संपूर्ण भारत और विश्व के अलग अलग राज्यों केंद्रों पर जो हमारे चेतना केंद्र शक्तिपीठों पर जो भाई बहन इस अभिनव अभियान जिसका नाम दिया गर्भ महोत्सव, इस गर्भ महोत्सव को आप ये मान करके चलना है कि 40 मिनट में कुछ ऐसी भूमिका आपको मिलेगी और 7 मिनट का एक प्रायोगिक कार्यक्रम जो गर्भवती बहनों को अपने नित्य के क्रम में जोड़ना है और परिवार परिजन भी यदि उन प्रेरणाओं को आत्मसात करके ऐसी भावनाओं का वातावरण बनाते हैं निश्चित सुखद परिणाम आते हैं। बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, दोनों हाथ गोदी में, कोमलता से नेत्रबंद, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ हिरण्य गर्भ का प्रकाश उगते हुए सूर्य मंडल के तेज में, जगत जननी वेद माता गायत्री का हंस वाहिनी पुस्तक का मंडल हाथ में ले हुए, परम पूज्य गुरुदेव परमंदनीय माता जी का दिव्य संरक्षण हम सब भाई बहनों को प्राप्त हो रहा है, इस श्रद्धा के साथ दिव्य महामंत्र गायत्री मंत्र का उच्चारण, वेदों का सारांश, हम सब के जीवात्मा को परमात्मा की ओर ले जाए ऐसा दिव्य रसायन। ओ सवितुर्वरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देवः सवितुर्दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्नासुवो। प्राण और प्रकाश शरीर में उपस्थित परमाराध्य सत्ता, देवतुल्य भाइयों, पूजा योग्य माता बहनों, आत्मिक जिज्ञासु बंधुओं भाइयों, हर व्यक्ति के जीवन में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद एक सुसंतति की, एक संतान की जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। अच्छा, जब स्वयं सृष्टि पिता ब्रह्मा जी ये कहते हो एक व हम भविष्यामि, मैं अकेला हूँ और मेरी तरह यहाँ इस सृष्टि में विकास हो, तो मनु और शत्रुपा के माध्यम से उन्होंने ये सारी सृष्टि का सृजन किया, इसीलिए हम सबको एक नाम दिया है मनुष्य। युग ऋषि लिखते हैं कि मनुष्य का जन्म सहज होता है, उसे मनुष्यता प्राप्त करने के लिए कठिन से कठिन प्रयत्न और पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये तो बात स्पष्ट हो गई कि गर्भ की तैयारी के लिए सबसे पहले हमें
पुरुषार्थ की तैयारी करना पड़ेगी, क्योंकि गर्भधारण के बाद एक अध्याय है, लेकिन इसके पहला वाला अध्याय जो है गर्भाधान संस्कार, तो इसकी भूमिका बड़ी गजब गुरुदेव लिखते हैं। एक बीच की घटना को समझा के लिखते हैं कि जैसे एक बीच की तीन गति होती है, ऐसा ही स्त्री और पुरुष का जो बीज होता है इसको भी आप तीन गति में मान सकते हैं। स्त्री पुरुष का रजवीर्य मिल करके इस सृष्टि सृजन के उस जीव को शिव की यात्रा तक की निर्माण की प्रक्रिया का क्रम इसमें संभव हो सकता है। तो नंबर एक, सबसे पहले हमें ये समझना है, यदि हमारे पास एक बीज है और उस बीज को यदि अनाज के बीजों को हम किसी चौके तक पहुंचा दें तो उसकी गृहिणी भोजन बना करके, उसकी रोटी बना करके, ये मान करके चलो कि वो उसके जीवन का बीज का एक हिस्सा था, कि उसकी गति हो गई कि किसी ने उसको खा लिया। लेकिन बीज का दूसरा हिस्सा है, यदि उसकी उपेक्षा हो जाते, उसकी अनदेखी हो जाते और लापरवाही के साथ उसे पड़े रहने दिया जाता, उसकी निश्चित दुर्गति होते, वो सड़ जाता, गल जाता, घुल लग जाते। वही बीज जो किसी के पेट भरने के काम आ गया, वही बीज उपेक्षा के कारण सड़गल गया। इसी प्रकार से भाइयों बहनों, युग ऋषि लिखते हैं कि बीज की तीसरी गति बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसको हम कहेंगे प्रगति। उस बीज को यदि अच्छे किसान के हाथ लग गया होता और किसान उर्वरा भूमि में उस बीज को बो दिया होता तो वही बीज कितनी उन्नत फसल लेकर के आता। लेकिन याद रखना, बात हमने उर्वरा भूमि की कही, भूमि और बीज का संबंध तो है, उगना पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो आप गुणवत्ता चाहते हैं, जो आप उसकी उपलब्धि चाहते हैं, वो तो उसी कुशल किसान के पास आएगी जो उसकी पूरी उर्वरा की, पूरी खरपतवार की, पूरी खेत की निंदाई गुड़ाई का ध्यान रख करके फसल का पूरा संरक्षण लेगा, जब भी उसका अच्छा उत्पादन ले सकता है। ये हो गई उसकी प्रगति। युग ऋषि लिखते हैं, बड़ी गंभीर बात बता रहे हैं, ये खंड नंबर 54 है वांग्मय खंड का, उसमें लिखते हैं कि एक संतान को प्राप्त करने के लिए स्त्री पुरुष के पास में जो पूंजी है वो उसकी इस शरीर की पूंजी नहीं है, वो मात्र इस उम्र की पूंजी नहीं है। जितना चंद्रमा पुराना है, जितना सूर्य पुराना है, जितना इस सृष्टि का जीवांश पुराना है, जितना जीन पुराना है, उतना ही आपके पास में एक बीज है। उस बीज के अंदर की जो प्रक्रिया है वो भी बड़ी गंभीर है, मतलब आधा बीज स्त्री का और आधा बीज पुरुष का, इनको मिला करके एक बीज बनता है। और सोच के देखिए, एक पूरा भी नहीं, एक से लिया, आधा आधा दोनों से लिया, और इतनी सूक्ष्म कोशिका है वो कि उसको आप ऐसे तो देख भी नहीं पाएंगे। उतनी सूक्ष्म एक आदि कोशिका को स्त्री और पुरुष से लेने के बाद जब उसको गर्भ में प्रवेश कराया और उसका जब 9 माह 9 दिन में जब उसका शिशु का नवजात रूप में निर्माण हुआ, आप लोग आश्चर्य करेंगे, वो 25 साल की उम्र आते आते तक 70 खरब कोशिकाओं के रूप में वो आदि आदि कोशिकाएं बन जाती है। अब आप बताइए, आपने तो केवल एक घटना करी, लेकिन उन कोशिकाओं की सामर्थ्य कितनी है, वो आपके अंदर अनंत अनंत प्रकार की भाषाओं की, अनंत अनंत प्रकार की कलाओं की, वो सारी सामर्थ्य जो आज आप मानव जाति में देख रहे हैं वो उन छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के, जैसे एक एक ईंट से मिलकर के एक सुंदर भवन बनता है, ऐसी एक एक छोटी छोटी अल्प कोशिकाओं से मिलकर के ये सुंदर नर्तन का चोला निर्माण होता है। हमारा ऋषि कहता है गर्भाधान संस्कार के माध्यम से इस महान अनुष्ठान का शुभारंभ होना चाहिए। तो सबसे पहले व्यक्ति का जो मन है ना, वो हमेशा अपने स्वार्थ की सोचता है,
इसीलिए हमेशा व्यक्ति को आपने कहते सुनते या प्रश्न करते देखा होगा या दोनों पति पत्नी के संवाद में सुना होगा कि हमें क्या मनचाही संतान मिल सकती क्या। अक्सर लोग मनचाही संतान में केवल उनके पास में एक ही चीज है, लिंग, बेटा या बेटी। ये निश्चय समझना, नर और नारी का होना या इससे बड़ा किसी विभूति का होना, विभूति तो कोई स्त्री भी हो सकती, कोई पुरुष भी हो सकता है। भाइयों बहनों, आप सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल दें, आज इस समय इस युग में जहां विश्व वसुधा के ऊपर 750 करोड़ लोग रहते हो और भारत में 137 करोड़ लोग रहते हो, अब जनसंख्या की आवश्यकता नहीं है। ये तो मान के चलो कि अब बच्चे बिल्कुल नहीं पैदा करना है, और यदि जन्म देना है तो किसी महान विभूति को, किसी श्रेष्ठ उन्नत किस्म की सद्गुणी सुशील, उस दिव्य गुणों से सुशोभित, उस पवित्र महान आत्मा को जन्म देना है जिसके माध्यम से आप हजारों नहीं लाखों बच्चों की आस पूरी कर सकते हो। एक ऐसी महान विभूति को जन्म दे दो जिसके माध्यम से हम सैकड़ों बच्चों की माताओं से भी महान माता का सम्मान पा सकें, 10 बच्चों की माँ से भी बड़ी माता का हम सम्मान पा सकें। बच्चों की संख्या नहीं, बच्चों की क्वालिटी पर ध्यान दें, विस्तार पर नहीं स्तर पर ध्यान दें। गुरुदेव कहा करते थे कि यदि व्यक्ति विस्तार कर रहा है और स्तर घटा के कर रहा है तो ऐसा विस्तार केवल समस्या पैदा करेगा। और आज राष्ट्र में, समाज में, विश्व में यही हो रहा है। हम आपका परिवार समाज दुखी क्यों है? बच्चे तो है, कोई बच्चों की कमी नहीं है, लेकिन सुसंतति के अभाव में ये बच्चे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे सिस्टम के लिए एक समस्या बने बैठे हुए हैं। सोच के देखिए कितने बच्चे जन्म लेने के बाद में माता का दूध पान करते हैं, कितने पूर्ण जन्म लेते हैं, और कितने बच्चे जन्म के बाद एक लंबी यात्रा तय करते हैं, या कितने बच्चे जन्म के बाद बिना अस्पताल के, बिना दवा के स्वस्थ रहने की जीवनी शक्ति लेकर के आते हैं। इसका उत्तर यही आएगा, 80% बच्चे जन्म लेने के बाद कांच की पेटी में बंद हो जाते हैं और तमाम प्रकार की उन बीमारियों के शिकार होते हैं जो माँ का जो पीयूष होता अमृत रूपी दूध वो तक भी नहीं पी पाते हैं। भाइयों बहनों, हमारा ऋषि कहता है इनके लिए कुछ करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहला हमें गर्भाधान पर विचार करना चाहिए। यदि आप शादीशुदा हैं या आपके घर में जब बच्चों का विवाह हो तो एक बात जरूर सोचें कि हमारे बच्चे यदि विवाह के बाद संतान का मन बना रहे हैं तो उन्हें गर्भाधान की माता पिता से, गुरुजनों से, अपने अग्रजों से और उस सफल दाम्पत्य जीवन जीने वाले उन भावनाशील विचारवानों से जरूर संवाद करना चाहिए। इस संवाद के परिणाम से उनके मन में एक विचार शक्ति अंदर से जागृत होती है जिसको गुरुदेव लिखते हैं, यदि उच्च मानव का निर्माण करना है तो सबसे पहले विचार विज्ञान का मंथन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी कार्य विचारों के बगैर आगे बढ़ता नहीं है। आगे तो गुरुदेव ऐसा लिखते हैं कि मैंने ब्रह्म विद्या के माध्यम से ये जाना है कि ब्रह्म विद्या का और विचार विज्ञान का यदि समन्वय व्यक्ति कहां कर ले, अपनी मन स्थिति में कर ले। निश्चित समझना, जब मन स्थिति में यदि इस प्रकार के विचार विज्ञान का और हमारे ब्रह्म विद्या के शब्द कोशों का यदि हम समन्वय कर लेते हैं तो हमारी मन स्थिति हमेशा सकारात्मक रहती है, पॉजिटिव रहती है, हमेशा हम प्रफुल्लित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, भय और भ्रम से दूर रहते हैं। क्योंकि बहुत सारे हमारे मन में इसी विषय को लेकर के बाद में जब प्रश्न उठते हैं तब हमारे पास में उसके लिए कोई उस समय समाधान बचता नहीं है, क्योंकि अब तो आपकी नींव भरा गई है, अब तो भवन जैसा बनेगा, फिर टीके ना टीके ये तो आपकी नींव पर कमाल होता है। तो नींव भरने के पहले जब आप मकान को मजबूती चाहते हैं तो एक नींव मजबूत करते हैं। तो हमारे ऋषि लिखते हैं कि गर्भाधान संस्कार जीवन रूपी मकान के निर्माण की नींव है, और नींव के लिए आप भूमि पूजन करते हैं, नींव के लिए अच्छी गहरी नींव देखते हैं, नींव को मजबूत करने के लिए आप इंजीनियर की सलाह लेते हैं। तो सबसे पहले
यदि आप अपने जीवन में एक सुपरमैन को, एक अद्भुत अतिमानस की चेतना को, एक दिव्य विभूति के माता पिता बनने का यदि सुसंतति का सुख चाहते हैं, तो गर्भाधान को आप बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल शर्म ना करें। इसके लिए गुरुदेव के बहुत सारा साहित्य लिखा हुआ है, मनचाही संतान कैसे प्राप्त करें, सुसंतति कैसे प्राप्त करें। और खंड नंबर जो 54 है, मनुष्य में देवत्व का उदय, वो पूरा का पूरा खंड के ऐसे ऐसे हिस्से हैं जिसमें आपके हर प्रश्नों का उत्तर वो दे सकता है। अगला विषय आता है पुष्पवंश संस्कार। जब आप गर्भधारणा कर ही लेते हैं, उसके बाद में आपके गर्भ के अंदर जो शिशु आया है, तो पहले दिन से लगा के 9 माह 9 दिन तक, ये मान करके चलो कि जो 285 दिन का जो समय कालखंड जो गुरुदेव ने बताया है, उस समय तक बच्चा अलग अलग अवस्था में देखता है, सुनता है, बातचीत करता है, परिवार का, घर का, जो भी आपका वातावरण है, उन सब से वो परिचित होता है। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं बच्चे और माँ के जीवन के संपूर्ण प्रकार के निर्माण से, और उसे कहा है पुष्पवंश संस्कार गर्भ पूजन कार्यक्रम। इसमें पुष्पवंश संस्कार बहुत बड़ी आवश्यकता है, बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते। 3rd महीने से 5th महीने के बीच यदि संस्कार होता है, तो निश्चित रूप से उसकी प्रेरणाएं उस कालखंड में उस बालक की अनगढ़ता को, माँ के अज्ञान को और माँ के आहार विहार दिनचर्या को एक सुव्यवस्थित करने का हमारा एक व्यवस्थित कार्यक्रम और सिलेबस बना हुआ है, जिसके माध्यम से हम मात्र आपको प्रेरणा नहीं दे रहे हैं, अनुभूति और विश्वास के आधार पर कह रहे हैं कि आपकी संतान के लिए आप जो बाद में करना चाहते हैं उसको आपने पूर्व में दे दिया है। और अक्सर लोग यही गलती करते हैं, बाद में बहुत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक प्रयोगशाला की तरह, एक रसायनशाला की तरह, एक मनीषी और वैज्ञानिक की तरह, एक ऋषि की तरह आपको रिसर्च करना चाहिए, नए नए प्रयोगों के माध्यम से गर्भ को पुष्ट करना चाहिए। और गर्भ जितना पुष्ट होगा, गर्भ जितना पोषित होगा, उतना ही शिशु कुपोषण से बचेगा। उसमें भी 4 चरण बताए युग ऋषि ने, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, अंतःकरण से और सामाजिक रूप से। ये तो पक्का हो गया कि व्यक्ति के चारों पहलू, इसको हमारा विश्व का स्वास्थ्य संगठन जो बना हुआ है, उसने भी इस चीज की अपेक्षा रखी है। यदि शिशु को जन्म देना है तो उसको शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और सामाजिक दृष्टि से ये चारों चरण पर हमें मजबूत करना चाहिए। आज कई बार हम देखते हैं कि हम शारीरिक दृष्टि को तो ज़्यादा महत्व दे देते हैं, उसको खूब दवाइयाँ, विटामिन्स, प्रोटीन्स, खूब कैल्शियम आयरन की दवाई गोली, खूब प्रसूति घरों में जा करके चिकित्सा परामर्श ले लेते, एक ही तरफा हम चल रहे हैं अभी, शरीर शरीर शरीर। अच्छा चलो, आपको शरीर से रिष्ट पुष्ट संतान आ भी गई, लेकिन ये 3 पहलू उसके कमजोर हैं, तो ये तो 10% सफलता है, 90% उस जीव आत्मा की सफलता इसमें है कि उसका मानसिक, आत्मिक और सामाजिक विकास पे हमने कितना ध्यान दिया। तो गर्भ महोत्सव हमारा कार्यक्रम जो है, वो ये चारों चरण को पुष्ट करने के पूरा प्रशिक्षण देने का एक कार्यक्रम है। संपूर्ण शक्तिपीठों, प्रज्ञापीठों, चेतना केंद्रों पर हमारे भाई बहन बड़ी उदारतापूर्वक, गंभीरतापूर्वक इसका संचालन करते हैं। अगला और महत्वपूर्ण आता है भाइयों बहनों, जिसको हम कहते हैं वातावरण। अच्छा देखो, कोई भी चीज है संसार में, वो सब कुछ वातावरण से आती है और वातावरण का प्रभाव गहरा पड़ता है। अच्छा चलो, आपका बलसाड़ का चीकू आप यहाँ आपके गांव में लगा दीजिए, बलसाड़ में जो उसकी क्वालिटी आएगी, फल की गिरी, गुणवत्ता, स्वाद और सुगंध, पेड़ का उगना और पेड़ का फल आना, ये कोई बड़ा काम नहीं है, तो कहीं भी आ जाएगा, लेकिन वो चीज यहाँ नहीं आ सकती। अब वो कश्मीर का जो होने वाला फल आप यहाँ लगा सकते, पौधा बन जाएगा, लेकिन वो कश्मीरी फल कश्मीर में ही आएगा। यदि भुसावल का और आपका फेजपुर, सावदा, ब्रह्मपुर एरिया का जो केला है, वो आप यहाँ नहीं पा सकते, वहाँ की जमीन की, वहाँ के वातावरण के, उस भौगोलिक और आंतरिक से स्तर की जो सूक्ष्म जगत से जो शक्तियाँ आती है, उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। और वातावरण के प्रभाव से ही शिशु का एक समग्र व्यक्तित्व का निर्माण होता है, वहाँ गर्भ में ही होता है। बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं कि व्यक्तित्व की कला हमको सीखना है,
मन को वो व्यक्तित्व की कला जो बाहर सिखाई जाती ना, मोटी मोटी फीस लेकर के, वो तो एक्टिंग कला है। आपके जीवन में जो स्वाभाविक एक्शन है वो आपकी मनवाणी अंतकरण से, गुण कर्म स्वभाव से, चिंतन और चरित्र से होता है। और वो स्वाभाविक एक्टिंग जो आती है भाइयों बहनों, वो वातावरण के परिवेश से रग रग में निर्मित हो जाती है। क्या हम भूल चुके हैं इस बात को? इतिहास के पन्नों को यदि हम देखें तो हमारे सामने उदाहरण है। माता सीता को अयोध्या में कोई कमी नहीं थे, लेकिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र जी ने माता जानकी को एक दिन दो दिन के लिए नहीं, भाई बहनों बच्चों के उपनयन संस्कार तक, उनकी शिक्षा और सूत्र की स्थापना तक ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रखा, आरण्यक गुरुकुल में, गौशाला के बीच में रखा, नदी सरोवर के बीच में रखा, यज्ञ गायत्री के जप और सूर्य उपासना के बीच में रखा, उन अभाव और तितिक्षा और कष्ट में पल्ले वाले वातावरण में रखा। इसका मतलब तो बड़ा गहरा है। ये मान करके चलना कि कई बार प्रतिकूलताएं यदि जीवन में आती है तो हमारा कई न कई किसी प्रकार से निर्माण करती है, और ये सब कुछ गुरुकुलों में, आरण्यकों में घर छोड़ने के बाद कहीं मिला करता था। और माता सीता ने उन दोनों राजकुमारों का जो गर्भ में उस वातावरण में रह करके जो लालन पालन किया, तो आपने देखा ही रामचरितमानस में कि जिसने अपने काका के, अपने ताऊ के, अपने पिता के रणभूमि के अंदर अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया, इतना ही नहीं उस पूरे अयोध्या कुल का आने वाले युगों युगों तक लव कुश ने उस राज्य वैभव का पराक्रम, संपूर्ण ज्ञान, सर्वांगण विकास उस आरण्यक में सिखा जो अभाव में ऋषि वाल्मीकि ने सिखाया था, वातावरण का प्रभाव। एक बार की मैं आपको घटना बताता, बड़ी गंभीर घटना जो गुरुदेव ने लिखी उसी खंड में। एक पति पत्नी नाव से जहाज से कहीं जा रहे थे, पति को क्रोध आया और पति पत्नी बहुत अच्छी जगह पर बैठे थे। आप सोच लीजिए, आप किसी नदी सरोवर समुद्र का वातावरण कितना अच्छा होता है, लेकिन वातावरण को भी कभी कभी व्यक्ति के स्वभाव से प्रदूषित कर दिया जाता है। उस पति को गुस्सा आया और उसने अपनी पत्नी के साथ में कुछ खींच गुस्से में उसके हाथ को पकड़ करके नाव में धक्का मारा। वो नाव में धक्का मारा तो गर्भवती थी वो महिला, अब गर्भ में बच्चा पल रहा है, और वो जैसे नाव से गिरी उसने वापस नाव को पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन उसके पति ने तीन उंगलियां नाव के किसी लकड़ी को छोर को पकड़े हुए थे, उसको जोर से मारा और उस महिला को पानी में गिरा दिया। दो नाविक दूर से आए दौड़ते हुए, उस बहन के प्राण बचाए उन्होंने। लेकिन ध्यान रखो कितनी घटनी, इस घटना के ऊपर आप ध्यान देना। उस बच्चे का जब प्रसव हुआ, माँ की डिलीवरी हुई, और वो बच्चा जब जन्मा तो उसकी तीन उंगलियां जन्म से नहीं थे। विचार कर सकते आप लोग, यदि हमारे घर के वातावरण में यदि हम गर्भवती बहन के साथ उसको प्रताड़ित करते हैं, तिरस्कृत करते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उसको मारते पीटते अपमान करते हैं, उसका प्रभाव सूक्ष्म जगत में बड़ा गहरा और बड़ा इस तरीके से पड़ेगा कि जिसके बाद में आपके पास में भरपाई के लिए कोई जगह नहीं है, कोई दवा नहीं है। सोच लीजिए, वो तीन उंगली जन्म से बच्चे के नहीं है। इतने बच्चे जो अपाहिज पैदा होते हैं, जन्म से इतने बच्चे रुग्ण और बीमार पैदा होते हैं, इस सारा का सारा वातावरण के कारण होता है। हम एक स्वस्थ वातावरण घर का दें, जब जा करके देखें सास ससुर का, माता पिता का, घर के छोटे बड़ों का ऐसा व्यवहार हो गर्भवती साथ कि जिसके कारण उसके अंदर वो देवत्व की तरंगे धीरे धीरे आने लगे। वो मैंने तो एक जगह इतनी गंभीर बात पढ़ी कि वातावरण का प्रभाव यदि गंदा है और बुरा है, या अच्छा है, या सकारात्मक या नकारात्मक है, उसके कारण जीव आत्मा अपना निर्णय भी बदल लेती है। हमारे अग्रज ऋषि मुनियों ने एक बात गंभीर लिखे, कई गर्भवती बहनों को 3 महीने का, 6 महीने का गर्भपात हो जाता है। तो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि कैसे होगा ये, इसके पीछे कई कारण है। आपके मेडिकल साइंस के कारण तो कुछ हो सकते हैं, लेकिन महामानव का कथन है कि सूक्ष्म जगत से जो पवित्र आत्माएं एक पवित्र घर देखते देखते
और किसी कुयोग से अपवित्र शरीर में चली गई तो वहाँ उसको वातावरण अच्छा नहीं मिलता है, तब भी वो जीवात्मा वहाँ से कुंठित होकर के परेशान होकर के उस घर को छोड़ देती है। कई बच्चे जन्म लेकर के छोड़ देते हैं, कई बच्चे जन्म लेने के कुछ महीनों के वर्षों के बाद घर का वातावरण अच्छा नहीं होता है तो शरीर के चोले को जीवात्मा छोड़ देती है, क्योंकि वो तो कभी मरती नहीं है। शरीर आपका था, आपने बनाया था, आप ले लीजिए, जीवात्मा तो परमात्मा का अंश थे, वो अपने अंश की ओर वापस चले जाएगा। ये घटना को दोनों तरफ आप देख सकते हैं, अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां इस समय होती है। यदि कोई बुरी प्रवृत्ति वाली अच्छी जगह पर आ गई तो उसको यहाँ भी अच्छा नहीं लगेगा, उसको गाली गलौज चाहिए, उसको अभक्ष्य भोजन चाहिए, उसको व्यसन चाहिए, फैशन चाहिए, उसके कुसंस्कार उसको देवत्व में अच्छा नहीं लगेगा, तब भी वो यहाँ प्रताड़ित होगा, कुंठित होगा और छोड़ कर चले जाएगा कि मुझे किसी ऐसे घर को देखूँ जहाँ मुझे मेरा कुछ सुख मिल जाए। तो आपसे निवेदन है कि सूक्ष्म जगत में दोनों प्रकार की तरंगे घूमती रहती है, हम जितना देवत्व का वातावरण बनाएंगे उतनी देव प्रवृत्तियां उसी टावर की तरह हमारे घर में खींची चली आएगी। अच्छा देख लीजिए, आपने सती मदालसा का नाम सुना होगा, उसने वातावरण बनाया और उसकी तीन बातें मुझे बहुत अच्छी लगे। सती मदालसा सबसे पहले अपने किसी भी बच्चे को जन्म देने का विचार करती थी तो उसके बारे में सबसे पहले वो एक अनुष्ठान करके ये विचार करती थी कि मैं उस विभूति को जन्म देना चाहती हूँ जो इस प्रकार का होगा। मान लो वो विचार करने लगे कि वो गणितज्ञ होगा, वो वैज्ञानिक होगा, वो किसी प्रकार का ऐसा दिव्य महापुरुष होगा, तो उसी कल्पना के साथ संकल्प पूर्वक गर्भाधान का विचार करके जन्म देते। उनके तीनों बच्चे ज्ञानी गुणी पराक्रमी और श्रेष्ठ देव मानव जन्मे। उनके अंदर सब विरक्त वैराग्य के भाव, पूरे आत्मवत् सर्वभूतेषु के भाव, सब सारे सारे संत प्रवृत्ति के, वो विद्वत ज्ञानी ऐसे उच्च कोटि के ज्ञानी कि जिनको आप चाणक्य की श्रेणी में ले सकते हैं। तब उनको क्या हुआ, उनके घर में राजपाट को चलाने के लिए राजपुत्र की आवश्यकता पड़ी। तब उनको जब कहा गया कि तुम अब एक ऐसी संतान को जन्म दो जो हमारे राजनीतिक गुणों को लेकर के आए और राजपाट को संभाले, तब उन्होंने चौथी संतान को राजकुमार के रूप में निर्माण किया गर्भ में, को पराक्रमी होगा, बलिष्ठ होगा, बलवान होगा और कुशल नेतृत्व की कला में निपुण संतान को जन्म दिया। ये तो सारे के सारे प्रभाव आते ही हैं। अच्छा कई बार हमको लोग प्रश्न करते हैं कि आप ये जो मंत्रों से जो क्रिया करा देंगे या पूर्व की तैयारी करके हम अच्छा चिंतन से कर देंगे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि इसको देखना हो तो आपको महाभारत का वो दृष्टांत देखना पड़ेगा, अश्वत्थामा वाला। महाभारत में पात्र अश्वत्थामा, और आपने देखा होगा अश्वत्थामा को एक बार भयंकर क्रोध आया और क्रोध में उसने क्या करा, उनका अग्नि अस्त्र उसने चला दिया और अभिमन्यु तो इधर चक्रव्यूह में फंस के मारा गया, लेकिन उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी और उत्तरा के शरीर पर जा करके वो अग्नि अस्त्र मंत्र विद्या का एक अस्त्र था और वो जैसे ही वहां गया तो उत्तरा तड़पने लगी, चीखने लगे। आप आश्चर्य करेंगे, द्रौपदी ने उत्तरा को गोद में लेकर के नारायण को भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और भगवान श्री कृष्ण ने आकर के उसको शक्ति अपने मंत्र प्रभाव से, क्योंकि गायत्री महामंत्र के प्रभाव से और वेदवाणी के प्रभाव से और सकारात्मक गुण प्रभाव से निश्चित रूप से हमारे शरीर के अंदर के शक्तियां जागृत होती है। तो आपसे निवेदन है कि जब तक हम अपने जीवन में सात्विक गीता का, रामायण का और विभिन्न प्रकार के पाठ स्त्रोतों का, अब जैसे गर्भ सूक्त, मैं तो मानूंगा यदि गर्भवती बहने गर्भ सूक्त का पाठ करें, गायत्री मंत्र का जप करें, महामृत्युंजय का जप करें, तो निश्चित रूप से इस मंत्र शक्ति के वाइब्रेशन से जो नेगेटिव एनर्जी जो आपके गर्भ को कुपोषित करती है, उनके अंदर दुष्ट चिंतन भ्रष्ट आचरण प्रेषित करती है, उनके अंदर मन के विकृत भाव पैदा करती है, आज ही उसका मन निर्माण होने लगा है, भावनाएं निर्माण होने लगी, उनकी चेष्टा निर्माण होने लगे, उनका देखना और सुनना और विभिन्न प्रकार की आकांक्षाएं इच्छाएं निर्माण होने लगे, ऐसे समय में वो बालक को जब ऐसे आप मंत्र शक्ति के द्वारा, भाव शक्तियों के द्वारा यदि उसका पोषण करते हैं तो कितना बड़ा महान विभूति को आप जन्म दे सकते हैं। इसके बाद अगला हमारा महत्वपूर्ण विषय आता है, ये जो कायिक पिंड है, महापिंड,
हमारे ऋषि लिखते हैं पंच कोशों का जो महापिंड बना हुआ है, यह हमारे शरीर का पिंड इसी महापिंड का हिस्सा है, और यह हमारा जो शरीर जो कुछ सामर्थ्य रखता है इस महापिंड की सारी शक्तियों को अपने अंदर, बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने हाथ से 3.5 हाथ का रहता है, आज भी हम उतना ही है, अपने हाथ से यदि अपने को नापोगे तो 3.5 हाथ के हैं। जब हम जन्म से लेकर के मृत्यु तक 3.5 हाथ की काया में ये पूरा ब्रह्मांड को समा करके रखते हैं, तो अपनी काया के ब्रह्मांड को इस ब्रह्मांड पिंड से, इस महापिंड की पंच महाभूतों की काया से गर्भवती बहनों ने चार्ज करना चाहिए। तो चार्ज करने के उसके अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला इस धरती के ऊपर वनस्पति आता है, मनुष्य का मुख्य भोजन होता है वनस्पति। तो जितने भी प्रकार के अन्न है, ड्राई फ्रूट हैं, फल है, सब्जियां हैं, जितने भी प्रकार के कंद मूल है, सुगंधित औषधियां हैं, सुगंधित पुष्प है, सुगंधित जल है, पवित्र नदियों का जल है, ये सबसे पहला भोजन गर्भवती का बताया ऋषियों ने, और कहा कि सबसे पहले ये जो सजीव चेतना का भोजन है ये गर्भवती माँ का मुख्य आहार है। यदि हम सबसे पहले इनको सेवन करते, इनको ग्रहण करते हैं, तो हमारा ये काया पिंड का क्षारी तत्व जो है निर्माण के समय पर 80% क्षारी तत्व लगते शरीर के निर्माण में और 20% अम्ली तत्व। तो हमारे खून के भी जांच करोगे तो इसमें 80% क्षारी तत्व है, 20% अम्ली तत्व है। इसलिए मैं तो निवेदन करूंगा कि आपकी पहली भूख कंदमूल फल सब्जियों के होना चाहिए, पहली भूख आपकी ड्राई फ्रूट भिगो करके उसका जूस सूप बना करके होनी चाहिए, फल और सब्जियों के होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा यही पकता है। इसके बाद में नंबर अनाज का आता है, इसके बाद नंबर आता है दालों का, इसके बाद नंबर आता है तिलहन का, मतलब तिल चिकनी चीज़ों का, स्नेहन का। तो आपको सर्वाधिक इस समय फाइबर रेशे वाली क्षारी तत्वों को सर्वाधिक मात्रा में, नारियल पानी तो आप दिन में 1-2 बार जरूर पिए, छाछ मट्ठा पिए, दूध दही घी का सेवन करें, और हम लोगों ने तो क्या प्राचीन ग्रंथों में सारंगधर संहिता में सोमघृत का वर्णन किया है, उसको हम लोगों ने यहाँ गाय माता को गायत्री मंत्र सुना करके उसके घृत को मत करके गायत्री मंत्र के माध्यम से 26 जड़ी बूटियों को निमंत्रण दे करके सोमघृत का निर्माण किया। इसके साथ में सतावरी कल्प और चंदन लाक्षाबलादी तेल से नाभि की मालिश, और फिर देखो आप। और इसके बाद में आपको दिन में 4 बार खाना है, क्यों? क्योंकि गर्भ जब भी पुष्ट होता है, जब आप उसकी वन्य चीजों के, क्योंकि आपकी 3 चीजें एक साथ बन रही है, पहला तो क्या बन रहा है, आपका शरीर जो जीवन यापन कर रहा है वो सिस्टम चल रहा है, उसको भी शरीर को ताकत चाहिए। दूसरा, सातों धातु बच्चे के निर्माण में जा रही है, तो निर्माण के लिए आपको पर्याप्त भोजन का व्यवस्था करना है, और तीसरा, बच्चा जन्म लेगा उसके बाद की दूध की व्यवस्था भी अभी भगवान ने चालू कर दी है, तो दूध की भी व्यवस्था अभी से चालू कर दी भगवान ने। आपके रक्त की एक एक बूंद का, हमारे ऋषि कहते हैं कि 15% हिस्सा उसी दिन दूध में कन्वर्ट होने लग जाता है जिस दिन माँ को गर्भाधान होता है। तो अब आप सोचिए, दूध की तैयारी भी हो रही है, बच्चे का भी निर्माण चल रहा है, आपका भी निर्माण चल रहा है, इसलिए आपको अधिक से अधिक पौष्टिक आहार पर और हर 2-2.5 घंटे पे 4-5 बार खाने का अभ्यास डालना चाहिए। और यदि अभ्यास नहीं है तो फिर आप कैसे हृष्ट पुष्ट संतान और डिलीवरी के बाद में आप स्वयं स्वस्थ रहें और बच्चा स्वस्थ रहें, इसकी कैसे आप अपेक्षा कर सकते हैं? तो इस बात को आप गंभीरता से ध्यान देंगे। अगला और महत्वपूर्ण है, पंच तत्वों में प्राणमय कोष सबसे बड़ा कोष है, क्यों? क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड और आपका शरीर और आपके बच्चे का शरीर जो भी पोषित होता है ये प्राणमय कोष की सारी ताकत लगती है। शरीर का निर्माण 85% भोजन से होता है, आपका 15% और 85% प्राण से होता है। तो 15% शरीर जो आप खाते हैं इससे बनता है, वो 85% शरीर प्राण से बनता है। तो प्राण का रिश्ता भावनाओं से है, और हमारा ऋषि लिखता है कि जब व्यक्ति के संकल्प में, इच्छा शक्ति में एक अच्छे भाव आते हैं, तो प्राणमय कोष के जो भाव आते हैं उन भावों से आप जो चाहें उसका आकर्षण आपके ऊपर कर सकते हैं। आप जब भी सांस लेते हैं किसी पेड़ के नीचे लें, विशेष करके बरगद का, पीपल का, नीम का, गिलोय की बेल का, बेलपत्र का, तुलसी का, गाय का, किसी पवित्र जलाशय के तट का, किसी पवित्र
तीर्थ के स्थान का, ये सब प्राणमय कोष के विशिष्ट स्थान बताए गए हैं। और यहाँ यदि आप 5 मिनट 10 मिनट एक खुले स्थान पर शरीर को रिलैक्स छोड़ करके अपने ऊपर किसी भी प्रकार की भौतिक यंत्र या कोई सामग्री ऐसी ना रखें जो आपको मानसिक रूप से छिन्न भिन्न करे, और वहाँ का जो प्राण रहता है वो आपके प्राणमय कोष को शक्तिशाली बनाएगा। एक महिला गर्भवती थी और वो जहाँ रहती थी उसके बाजू के अंदर कोई एक बड़ी लोहे की फैक्ट्री थी जहाँ बहुत दनादन जोर जोर से आवाज़ आती थी। आप आश्चर्य करेंगे, वो महिला 5वें महीने से 8वें महीने तक जब सोती थी तो बच्चा रात को उसके गर्भ अवस्था में कई बार उसको नींद खोल लेता था, भीतर ही भीतर उस नाद के उस प्राण के असंतुलन से बच्चा पेट में तड़पता था, क्योंकि बच्चे के ऊपर आघात का, नाद का, प्राण के संचार का गहरा रिश्ता पड़ता है। ध्वनि जो कुछ हम सुनते हैं ये समाप्त नहीं होते हैं। कई माताएं बहनें एयरफोन लगा करके गीत सुनती रहती है, टेलीविजन पे फिल्में देखती रहती है, तो हम जो दृश्य देखते हैं ये मात्र दृश्य नहीं है, ये आपका बच्चा इन सीरियल जिंदगी को रियल जिंदगी में प्रवेश कर लेता है और इसका परिणाम बहुत घातक होता है। कौन कहता है कि बच्चा देख नहीं रहा, सुन नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, माता पिता की हरकत महसूस नहीं कर रहा है? यदि पिता अपनी पत्नी को यदि वात्सल्य करे, पीठ को सहलाए, माता गायत्री का मंत्र बोल करके सास ससुर और परिवार, माता पिता परिजन बड़े लोग गर्भवती माँ के सिर का सहलायन करें, स्पर्श करें, और फिर देखिए बच्चे के ऊपर कितनी संवेदना जाती है। अरे स्वयं गर्भवती माँ दाहिना हाथ नाभि पे और बायां हाथ हृदय पे, क्योंकि दो काम तो बड़े तेजी से चल रहे हैं, बच्चे का निर्माण और दूध का निर्माण। अब यहाँ पर आपकी सूर्य शक्तियों को और यहाँ पे चंद्र शक्तियों को आप ऐसा करके आह्वान करें तो आपका प्राणमय कोष और अन्नमय कोष, ये दोनों कोष अभी बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो मैं पहली क्रिया बता रहा हूँ आपको, गर्भवती बहनों को बायां हाथ हृदय पर और दाहिना हाथ नाभि पर, और पूरे ढीले बदन बिस्तर पर लेट जाइए। देखो इस प्रकार से मैं आपको एक प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ, ये पूरा ऐसा लेट गए हैं, दक्षिण में सिर, उत्तर में पैर, और ऐसे पूरे शरीर को ढीला छोड़ दिया, बिल्कुल ढीला हाथ रखा। और ढीला हाथ रखने के बाद फिर आपको अपने आप को निर्देश देना है, अपने आप को ऑटो सजेशन स्व संकेत देना है। सबसे पहला संकेत देना है इस पूरे ब्रह्मांड के आकाश तत्व का, हे ब्रह्मांड व्यापी पवित्र शक्तियों, मैं आपका आह्वान करती हूँ, मेरे आह्वान पर मेरे नवजात शिशु के निर्माण के लिए, मेरे शिशु के रोम रोम, एक एक कण कण कोशिका के जर्रे जर्रे के लिए आपकी ब्रह्मांडी शक्तियाँ आ रही है। और फिर दूसरा आह्वान करना है प्राणमय कोष का, जैसा ऋषि चरक ने लिखा वैसा ही मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला आकाश चेतना का प्रतीक का, प्राण शक्ति का, प्राण तत्व का, तो प्राण तत्व का आह्वान, प्राणमय कोष मेरा सक्रिय हो रहा, मजबूत हो रहा है, मेरा रोम रोम प्राण शक्ति को धारण कर रहा है, मेरा शिशु प्राणवान स्वस्थ और निरोग हो रहा है। उसके बाद में दूसरा हो जाएगा पूरा, तीसरे का आह्वान करना है जिसे कहते अग्नि तत्व, चेतना का केंद्र, उगता हुआ सूर्य का ध्यान करो, उगते हुए सूर्य की किरणों में स्नान करो और भावना करो कि मेरे अंदर सविता का तेज में सोख रही हूँ, मेरे अंदर का नाभिमंडल ये स्वयं सूर्य है जो मेरे शिशु का पोषण कर रहा है। भाइयों बहनों, युग ऋषि लिखते हैं कि अन्नमय कोष का जो मणिपुर चक्र है यह हमारा सूर्य है, और यह सूर्य बच्चे का पोषण कर रहा है। कैसे? माँ का नाल और बच्चे का नाल का जो स्थान है नाभि से जुड़ा हुआ, बच्चे की नाभि और माँ की नाभि अभी एक है। जैसे यहाँ सूर्य का ध्यान करेंगे कि आपके अंदर सूर्य की शक्तियाँ प्रवेश करेंगे, और आप भावना करना कि उदयमान सूर्य का, सविता का स्वर्णिम शांत प्रकाश मेरे शिशु का पोषण कर रहा है। सूर्य के अभाव में जब वनस्पति का बीज कुपोषित हो जाता है, सूर्य के अभाव में कई प्रकार के बैक्टीरिया, फंगस और वो नेगेटिव एनर्जी वास करती है जो आपको कई तरीके से बीमार बना सकती है। सूर्य शक्तियों को आप नाभि से रोम रोम कण कण में आपने पहुंचा दिया। आपकी शरीर की चौथी शक्ति जिसे हमारा ऋषि कहता जल तत्व, शरीर का 70% हिस्सा जल तत्व है, जैसे धरती पर 70% पानी है, ऐसे बच्चे में भी और माँ में भी। कई बार लोग बोलते हैं कि बच्चे में पेट में, माँ के पेट में, बच्चे के शरीर में पानी की कमी हो गए, रीढ़ में पानी कम हो गया, सिर में पानी कम हो गया, तो आपके शरीर का जल तत्व का आप आह्वान करिए, वरुण देवता मेरे शिशु का जल तत्व का संतुलन कर रहे हैं, उसे निर्मल और स्वच्छ और शांत बना रहे हैं,
हे वरुण देव, मैं आपको नमन करते हूँ, मेरे शिशु का आप पालन पोषण कर रहे हैं। वरुण देव आपके रग रग में से, रोम रोम में से संतुलित मात्रा में जाएंगे, न कम होंगे न ज़्यादा हो। जरा आप भाव शक्ति का संचार करके देखें। और अंतिम पांचवा ध्यान आता है पृथ्वी तत्व का। पृथ्वी तत्व आपके शरीर के अंदर मात्र 15% होता है, और ये पृथ्वी तत्व जो होता है इसका संतुलन आपके अंदर धैर्य, सहनशीलता और उर्वरता, और आपके अंदर की जितना भी ये आपका मूलाधार चक्र जो अंतिम चक्र, यहाँ पृथ्वी तत्व रहता है। और इस पृथ्वी तत्व को आप ध्यान करेंगे, मेरे अंदर सहनशीलता बढ़ रही है, मतलब कष्ट सहन करने की, भूख सहन करने की, छोटी मोटी जो परिवार के अंदर या पति पत्नी के बीच में या आसपास से कोई किसी प्रकार का विरोध उपेक्षा आ जाए तो थोड़ा आप धैर्य रखें, अपना स्वभाव ना बदलें, अपने आप को चिड़चिड़ा और क्रोध से ग्रसित ना करें। क्यों? क्योंकि धरती माता आपको सहनशीलता देगी, शांत आपको मन देगी, क्रोध आपका शांत करेगी। इसके बाद में आप नित्य जब उठें तो सबसे पहले दोनों पैरों को धीरे से घुटने मोड़ करके 3 सांस ले करके नाभि को ऊपर करें इस प्रकार से, और फिर नाभि को नीचे करें। और इसको करने का भी तरीका बड़ा सरल है, ऐसे गए, ऐसे और ऐसे, और हथेली ऐसी रखी मैंने, ये सांस लिया, सांस छोड़ा, और ये पैर को कम से कम 6 इंच हल्का सा बिस्तर लगा दे पैरों के नीचे और ऊंचे रखें। और फिर देखें आप हमारी, जब आप गर्भ महोत्सव की साइट देखेंगे ना, तो वहाँ पर एक 40 मिनट की हमारे प्राणेश जी है, उन्होंने एक फिल्म भी बना रखी है, वो आपको बराबर अच्छा शानदार मार्गदर्शन करेंगे। भाव और व्रतशीलता का बड़ा महत्व रहता है। 7 दिन के 7 बार आते हैं, और आपके गर्भकाल में कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष आता है, आमोसा पूर्णिमा एकादशी आती है, इन सबका भी गर्भ के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब गर्भवती माता इन सभी पर्व त्योहारों को, पूर्ण तिथियों को, नक्षत्रों को और सभी प्रकार के दिनमान का यदि वो चिंतन करती है, तो निश्चित रूप से गर्भ में वो सारा चिंतन बालक का एक समग्र पोषण करता है। और हमारा ऋषि कहता है कि गर्भवती माता को पति का सानिध्य जरूर पर्याप्त समय तक मिलना चाहिए, क्योंकि जब गर्भ में बच्चा रहता है ना, तो 9 माह 9 दिन तक पति पत्नी ने अलग अलग नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्या होता है, पत्नी को यदि गर्भकाल में किसी भी प्रकार की भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक यदि आवश्यकताएं पड़ती है, तो सबसे पहले शिशु और माता का सबसे पहला विश्वास अपने पति पर होता है कि हर स्थिति में हमारे साथ खड़े होंगे। तो ये बड़ी गंभीर प्रक्रिया है। कई बार क्या होती, पत्नी कहीं रहती, पति कहीं रहता है, और पत्नी के मन में कुछ विचार है, पति के मन में कुछ विचार है, तो इसमें बहुत सारी संभावनाएं जो होती है वो मानसिक रूप से कुंठाओं की जो आती है वो यहीं से जन्म लेती है। अगला आता है हमारे जीवन में, जो आप लोगों को हमारे गर्भ महोत्सव के जो कार्यकर्ता भाई बहन है, हमारी श्रीमती डॉक्टर रेखा बहन शर्मा जो हमारे गुरुग्राम दिल्ली से है, श्रीमती लक्ष्मी जी उपाध्याय महू इंदौर से हैं, और श्रीमती रीतापी बहन ये हमारी लखनऊ से है, सारस्वत जी, और श्रीमती रेखा बहन पटवा ये राजस्थान से है, डॉक्टर आनंद जी डिंगरा ये इंदौर से हैं। और इन भाई बहनों ने गर्भ महोत्सव के ऊपर अपने क्षेत्र में बहुत व्यापक तरीके से काम किया है। और हमारे जो प्राणेश जी हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने इसकी 40 मिनट की फिल्म बनाई है, आप उसको नेट पे सर्च करेंगे, 40 मिनट की फिल्म जरूर देखेंगे। बहुत ही जितना जो कुछ विषय मैंने बताया उसका प्रैक्टिकल आप फिल्म के भी रूप में देख सकते हैं। आप सब लोगों ने ये 40 मिनट का एक दिव्य और अद्भुत, ये 7 विषय थे हमारे आज के, जिसको आपने गंभीरता से सुना, और मैं अंतकरण की गहराइयों से अखंड दीपक सजल सद्दा प्रखर प्रज्ञा से प्रार्थना करूंगा कि आपके घर में एक दिव्य विभूति का जन्म हो, एक दिव्य महामानव का जन्म हो, और आप सब लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े रहें शांति कुंज हरिद्वार से, और हमारे इन संचालक भाई बहनों से समय समय पर आप मार्गदर्शन लेते रहें।